बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने पिता सुनील दत्त से जुड़ा एक इमोशनल किस्सा बता रहे हैं। दरअसल संजय दत्त इंडियन आइडल 14 में पहुंचे थे और वहीं उन्होंने अपने पिता को याद किया है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 इन दिनों लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। शो में कंटेस्टेंट अपनी सुरीली आवाज से जज के साथ ही देश की जनता को खूब रिझा रहे हैं। वहीं शो इंडियन आइडल 14 में आने वाले गेस्ट जज भी कंटेस्टेंट की सिंगिंग से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। शो के आने वाले एपिसोड बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर संजय दत्त आने वाले हैं। शो के कई प्रोमो वीडियो सामने आए हैं जिनमें संजय दत्त कंटेस्टेंट की गायकी को एंजॉय करते नजर आए। वहीं संजय दत्त ने अपने माता पिता से जुड़े कुछ किस्से लोगों के साथ शेयर किए हैं। आइए जानते हैं कि संजय दत्त ने अपने माता पिता को लेकर क्या बताया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। संजय दत्त ने इंडियन आइडल 14 के सेट पर बताया कि उनके पिता सुनील दत्त काफी संस्कारी व्यक्ति रहे हैं। संजय दत्त ने उस समय का किस्सा सुनाया जब वह जेल में थे। जब मैं जेल में था तो मुझसे कहा जाता था कि मेरी बेल अगले हफ्ते में हो जाएगी। ऐसा कहते कहते 9-10 महीने जेल में ही बीत गए। फिर मेरे पिता सुनील दत्त मुझसे मिलने जेल में आए थे और मैंने उनसे कहा कि मेरी बेल का क्या हुआ। मेरे पिता ने मुझे गिरोबान से पकड़कर खींचा और रोने लगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता और वहाँ से चले गए। संजय दत्त ने अपनी माँ को किया याद। इंडियन आइडल 14 के सेट पर ही संजय दत्त ने अपनी माँ नरगिस दत्त को याद किया और उनकी एक बात बताई। संजय दत्त ने कहा, हम लोग माता पिता को ऐसे लेते हैं कि वह हमेशा रहेंगे। मैं अपनी माँ से जुड़ी एक बात शेयर करना चाहूँगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि संजय मेरे साथ बैठे, मेरे साथ कुछ समय बिताओ, क्योंकि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। उस समय तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर तब मैंने अपनी माँ के साथ कुछ घंटे बिताए होते तो मुझे ये एहसास नहीं होता।